अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक फोर। अच्छा, बुक फोर का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू और हमारा लेक्चर नंबर वन है चैप्टर टू का। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अच्छा, आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिवाइड के रूल हैं, ठीक है, तो वो आप समझ लें कि रूल वन, रूल टू और रूल थ्री, रूल फोर। ठीक है, इससे मैं आपको समझा दूंगी, इससे आप जो इजीली डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी नंबर विच 0 to 4, 6, 8 एट दी यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, जहाँ पे देखें आप इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 to 4, 6, 8। ठीक है, ये आपके पास इवन नंबर्स हैं, तो जिसके भी लास्ट में ये नंबर आए, ठीक है, इस तरह के 0 to 4, 6, 8, तो वो लाजमी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, रूल 2, If digit of any number add up to a number which is divisible by 3, then original number is also divisible by 3. अच्छा, यहाँ पे देखे अगर कोई भी ऐसा नंबर है उसको ऐड करने से जो है वो ऐसा नंबर बने जो 3 के टेबल में आता हो। मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगी, कोई भी अगर जैसे 4-5 वैल्यूज हैं उसको मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मेरे पास बना 12 बन गया और इसके अलावा 15 बन गया जो कि 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 18 बन गया। अब इस तरह से जो है अगर क्या नाम है जो 3 के टेबल में आते होंगे तो वो जो है वो डिवाइड हो जाएंगे 3 से। ठीक है, बड़ा नंबर होगा, मैं 1 by 1 जो उसको सॉल्व नहीं कर दूंगी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगी, फिर आप इससे जो है वो इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 105 इज डिविजिबल बाय 3। इसमें पूछ रहे हैं कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे 1, 0 और 5, यहाँ पे 1, 0 और 5, 1 में 0 ऐड करें तो क्या होगा हमारा 1 ही होगा, और इसके अंदर 5 ऐड करें, 1, 0 और 5, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 में 0 ऐड किया 1 और 1 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। तो 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 1 3, 3 2 6। ऐड करने के बाद ऐसा नंबर बने जो 3 के टेबल में आता हो, इसका मतलब है कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। अगर ये 3 के टेबल वाला नंबर बने तो इसका मतलब ये कि ये डिवाइड हो जाएगा। ये चेक करने का तरीका है कि ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है या नहीं, फिर आप इसको जैसे डिवाइड करते हैं आप उससे डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रूल थ्री में एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर लास्ट में 0 या 5 आ रहा होगा तो वो लाजमी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और रूल 4, एनी नंबर विच विथ 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। अच्छा, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा होगा, ठीक है, तो वो लाजमी है कि वो 10 से होगा डिवाइड। ठीक है, अभी आपने चारों रूल्स पढ़े कि जो इवन नंबर्स होंगे वो हमेशा 2 के टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, और रूल नंबर 2 भी आपने पढ़ लिया कि अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है और फिर आप उन सबको ऐड करेंगे, उन सबको ऐड करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता होगा नंबर, तो इसका मतलब है कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। रूल नंबर 3, 0 और 5 लास्ट में आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। रूल नंबर 4, 0 आएगा लास्ट में तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 22। ठीक है, पेज नंबर 22 एक्सरसाइज 2A में हमने आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स। A number is divisible by dash if it has 5 at the unit place. यानी कि कह रहे हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि डिवाइड हो जाए जिसके लास्ट में 5 आता हो, जिसके लास्ट में 5 आता हो तो वो किससे डिवाइड होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट में 5 जिसके आएगा तो वो किससे डिवाइड होगा, 5 से। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि 0 और 5 जिसके लास्ट में आए यूनिट प्लेस यानी सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो है जहाँ पे यूनिट होता है, तो वहाँ पे जो है अगर 0 या 5 आए, जैसे कि 1, 0, 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, यूनिट है, ये है 10 ही, तो ये वाली जो है ये यूनिट प्लेस होती है, तो ये अगर लास्ट में 5 आ रहा होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नंबर लिखें यहाँ पे जो कि 5
फाइव के अगर लास्ट में आता होगा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आता होगा फाइव जैसे, तो ये किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें बताना है किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये फाइव के टेबल से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे हमने लिख दिया फाइव, ठीक है। इस तरह से हम फाइव लिख देंगे कि ये फाइव जो है वो डिवाइड हो जाएगा फाइव वाले नंबर से, अगर लास्ट में फाइव आया, ठीक है। उसके बाद वन फाइव सिक्स इज डिविजिबल बाय, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, वन टू एंड डैश, यानी यहाँ पे एक ब्लैंक्स, टू ब्लैंक्स और थ्री ब्लैंक्स दी हैं। अब हमें पहले देखना है ये इवन नंबर है कि नहीं। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर लास्ट में इवन नंबर आए यूनिट प्लेस पे तो टू से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू। अब थ्री का चेक करने का तरीका ये है, इन सबको सम कर लें, वन प्लस फाइव प्लस सिक्स, इन सबको सम करें तो वन फाइव सिक्स और सिक्स और सिक्स क्या हो जाएगा, ट्वेल्व, ठीक है। अब ये बताएं ट्वेल्व थ्री के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो यानी कि ये थ्री के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में ये फाइव के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये फाइव के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में फाइव नहीं आ रहा, और ये टेन के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं आ रहा, और इसके अलावा जो ये सिक्स के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू थ्री और सिक्स, सिक्स के टेबल से भी आप डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे टू से हो रहा है थ्री से हो रहा है तो ये सिक्स से भी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाए सी पार्ट पे, इफ अ नंबर हैज जीरो एट द यूनिट प्लेस, यानी कि किसी भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके लास्ट में जीरो आ रहा है, इट इज डिविजिबल है, तो वो किन किन से डिवाइड हो सकता है। तो देखें जीरो, जीरो जो है मैंने पढ़ाया था आपको कि ये अगर इस तरह के नंबर हों कि जिसमें लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट आए, तो यानी कि ये टू के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा और फाइव के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो और फाइव जिसके एंड में है वो फाइव के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, और जीरो जिसके एंड में है तो लास्ट में है कि वो टेन से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि टू फाइव और टेन, यानी यहाँ पे हम जो लिखेंगे इसमें टू फाइव और टू फाइव और टेन, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे कि टू फाइव और टेन। अब इसके बाद डी पार्ट देखें, हम डी पार्ट में लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री एंड देन द नंबर इटसेल्फ इज इट इज डिविजिबल बाय डैश। इसमें कह रहे हैं कि जिसका सम जो है वो थ्री के टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ट्वेल्व एटीन है फिफ्टीन है, इस तरह से अगर हम सम करें किसी डिजिट को और जो कि वो थ्री के टेबल से डिवाइड हो जाए, यानी कि थ्री के टेबल में आते हों वो तमाम नंबर्स, जैसे ट्वेल्व आ गया, सम आ गया किसी का ट्वेल्व आ गया, किसी का फिफ्टीन, जैसे यहाँ पे इसका सम आया ट्वेल्व, ऐसे यहाँ पे अगर हम बहुत सारी वैल्यूज हैं इसका सम आया फिफ्टीन आया, तो हमें पता है कि वो थ्री के टेबल में आता है, तो यानी कि उसको क्या बोलेंगे कि वो थ्री के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसने यहाँ पे लिख दिया कि देन द नंबर इट सेल्फ इज डिविजिबल बाय थ्री, तो वो जो है थ्री के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे थ्री फिल कर दिएगा, ठीक है। अब ई, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल, इवन नंबर्स किससे डिवाइड हो जाएंगे, टू से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू जीरो फाइव एट नाइन इज डिविजिबल बाय थ्री, कि ये थ्री से डिवाइड होगा या नहीं ये बताना है। ये सही लिखा हुआ है इसमें, बल्कि ये लिखा हुआ है कि ये थ्री के टेबल से डिवाइड होगा। अब हमें बताना है कि ये सही बात लिखी हुई है या नहीं, तो इसको किस तरह से आप ऐड कर लें कि टू फाइव एट और नाइन, इन तब तीनों वैल्यू को आप ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि थ्री से चेक करने का तरीका ये है कि ये वैल्यू जो है वो थ्री के टेबल से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि तमाम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो टू फाइव एट नाइन को हमने आपस में ऐड किया तो मेरे पास आया ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर थ्री के टेबल में बिल्कुल आता है, ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है, तो आपने यहाँ पे ट्रू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में देखिए वन सिक्स जीरो इज डिविजिबल बाय टू, इसको चेक करने का ये तरीका है कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं, के वन सिक्स जीरो जो है वो टू के टेबल से डिवाइड हो सकता है। अब ये बात सही है कि नहीं, हम किस तरह से देखेंगे कि वन सिक्स जीरो, जीरो इज इवन नंबर, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इवन नंबर होंगे जीरो टू फोर सिक्स एट, ठीक है, जीरो टू फोर सिक्स एट अगर नंबर होंगे तो हमारे पास ये टू के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो आ रहा लास्ट में तो ये टू के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा, ठीक है, रूल नंबर वन। इसके बाद सी पार्ट देखें टू फाइव, टू टू फाइव इज डिविजिबल बाय फाइव एंड टेन, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइव जिसके लास्ट में आएगा, ठीक है, टू फाइव फाइव जो वो डिवाइड हो रहा है फाइव से और टेन से। अब ये बात सही लिखी हुई है या नहीं, तो आप देखें लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू में लिखा हुआ है फाइव,
फाइव जो है वो फाइव के टेबल से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फाइव टेन के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। हमने टेन में क्या बात पढ़ी है कि टेन में खाली जीरो जो है वो टेन के टेबल से डिवाइड हो सकता है, लेकिन फाइव यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि फाइव भी टेन के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये बात गलत लिखी है कि फाइव और टेन से डिवाइड हो जाएगा, खाली फाइव से हो सकता है लेकिन टेन से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय टेन इज डिविजिबल बाय फाइव, यानी कि इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसमें कह रहे हैं कि कोई भी नंबर हो जो कि टेन के टेबल से डिवाइड हो जाए वो फाइव से भी डिवाइड हो जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि हमने फाइव वाले रूल में पढ़ा है, रूल नंबर थ्री देखें, रूल नंबर थ्री में हमने पढ़ा है कि फाइव और जीरो जो है वो फाइव के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ट्वेंटी लिखा हो, थर्टी लिखा हो, या फोर्टी लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, सिक्स हंड्रेड ही क्यों ना लिखा हो, तो यानी कि ये फाइव के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फाइव टेन के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, टेन फाइव के टेबल से डिवाइड जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि अगर टेन के टेबल से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो फाइव के टेबल से डिवाइड हो सकती है, तो वो बिल्कुल हो सकती है। फाइव का रूल ये है कि वो फाइव जो है वो जीरो से, अगर हमारी यूनिट प्लेस पे जीरो आए या फाइव आए तो उसको डिवाइड कर सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बात सही लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। उसके बाद लिखा हुआ है फाइव फाइव सिक्स थ्री, फाइव फाइव सिक्स थ्री इज डिविजिबल बाय फाइव। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइव फाइव सिक्स थ्री जो है वो फाइव सिक्स के टेबल से डिवाइड होगा, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाली वैल्यू चेक करें यूनिट प्लेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइव का रूल कहता है कि लास्ट में जीरो हो या फिर फाइव हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्री, तो ये फॉल्स है, तो आपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स टू थ्री फोर इज डिविजिबल बाय, अब यहाँ पे देखें सिक्स टू थ्री फोर जो है वो किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फाइव के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। पहला फाइव लिखा हुआ है, फाइव के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड सेकेंड लिखा हुआ है टू एंड थ्री, अब टू के टेबल से तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ है। थ्री के टेबल से नहीं पता, थ्री के टेबल से चेक करने का तरीका क्या है, तमाम नंबर्स को ऐड करें, सिक्स टू थ्री फोर, इन तीनों वैल्यू को आप इस तरह से ऐड करें। आप इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24। 24 थ्री के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो यानी कि ये टू के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा और थ्री के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन आगे भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आगे और कौन कौन से ऑप्शन गिवन है। टू के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, टेन के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि टेन का ये रूल है कि लास्ट में जीरो लाजमी हो, और टू के टेबल से डिवाइड हो जाएगा लेकिन फाइव के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि ये तमाम ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टिक कर लिया। उसके बाद बी पार्ट में लिखा है फोर सिक्स जीरो जीरो इज डिविजिबल बाय, फोर सिक्स जीरो जीरो किससे डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन देखिए फाइव ऑनली, सिर्फ फाइव से, फाइव से हो जाएगा ये डिवाइड क्योंकि जीरो आ रहा है, लेकिन आगे और ऑप्शन भी देखते हैं हम कि टू एंड टेन, यानी टू से भी हो जाएगा, बिल्कुल टू से भी हो जाएगा और टेन से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू और फाइव, तो ये टू से भी हो जाएगा, फाइव से नहीं होगा क्योंकि फाइव से भी हो जाएगा, टू से भी हो जाएगा और फाइव से भी हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है टू फाइव एंड टेन, ये करेक्ट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये टू से भी हो जाएगा, ये फाइव से भी हो जाएगा और ये टेन से भी हो जाएगा, यानी कि इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताने कि किन किन टेबलों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइव एंड टेन, हमें एक साथ लिखना है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टू एंड फाइव, तो इसका मतलब है कि ये टेन से डिवाइड नहीं होगा, जब भी हमने टेन वाला ऑप्शन छोड़ दिया, लेकिन ये टेन से भी डिवाइड हो रहा है, फाइव से भी डिवाइड हो रहा है, टू से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमें तीनों लगाने, टू फाइव एंड टेन पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सी पर टू फाइव टू इज डिविजिबल बाय, अब टू फाइव टू ये देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव एंड थ्री, तो ये फाइव के टेबल से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में फाइव है, थ्री के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं ये हम ऐड करके चेक करते हैं। फाइव टू और फाइव, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे आप, फाइव टू और फाइव, तो हमारे पास आंसर आएगा ट्वेल्व। ट्वेल्व थ्री के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे फाइव थ्री, यानी फाइव के टेबल में डिवाइड हो रहा है और थ्री के टेबल में भी। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि वो सही है या गलत है। अभी टू के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं, फाइव के टेबल से हो जाएगा, तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक से हो रहा है, एक से नहीं, ओनली फाइव, ओनली फाइव नहीं क्योंकि थ्री के टेबल से डिवाइड हो रहा है, हमें पता चल गया। ठीक है, टेन के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि फाइव टेन के टेबल से डिवाइड नहीं होता, टेन जो है सिर्फ और सिर्फ जीरो लास्ट में आता होगा तो हम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि फाइव जो है उसमें
यूनिट प्लेस में हम चेक करेंगे फाइनल, ठीक है। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5 और 3। इसके बाद डी पार्ट पे आ जाएं आप। डी पार्ट पे आ नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5 एंड इफ द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस इज, अच्छा, अ नंबर कैन बी डिवाइड बाय कोई भी नंबर हो और अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा हो तो उसके लास्ट यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 5 उन वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा जहाँ पे 5 और 0 आता होगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू आनी चाहिए 5 के, 5 और 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टिक कर देंगे 5 और 0 होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, खाली 5 नहीं होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, 5 और 0 होना लास्ट में, ठीक है। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज डिविजिबल बाय, कह रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये किससे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ रहा है 5 लास्ट में, तो यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 5 के टेबल से। और देखें लास्ट ये 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो यानी कि ये 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टिक कर दिया, खाली 5 से नहीं होगा, खाली 3 से नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं आ रहा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ रहा है, ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा। 5 और 3 से होगा तो हमने यहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स के मैंने, अब इसमें से आपको टिक करना है कि कौन कौन से 2 के टेबल से डिवाइड होंगे। 2 के टेबल से जो डिवाइड होने वाले, मैं आपको पहले दोबारा समझा देती हूँ। रूल वन में ये है कि 0, 2, 4, 6 और 8 जिस भी टेबल, जिस मतलब नंबर के लास्ट में ये आए, ठीक है, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, तो यानी लास्ट में देखें यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 0, तो यानी कि ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे आ रहा है 6, 2 के टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट में आ रहा है 4, यहाँ पे बल्कि इसी पार्ट पे देखें 7, तो ये इवन नंबर नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये 7 ये भी नहीं आएगा, इसमें देखिए 4 आएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 कहते हैं कि अगर लास्ट में ये वैल्यू आए तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ई पार्ट भी आएगा, 2 एफ, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यानी कि एफ पार्ट भी आएगा। 9 नहीं आता, ठीक है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। 5 लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि आपने जो है कॉपी में इस तरह से लिखना है, ए बी ई और एफ, जो जो पार्ट करेक्ट है वो आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। सॉल्व लिख के यहाँ पे इस तरह से लिखना है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब मैंने आपको 2 के टेबल का बता दिया कि 2 के टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर को हम इस तरह से चेक करते हैं कि जिसके लास्ट में इवन नंबर्स हैं 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6 और 8। तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगा, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना नॉर्मली जो है वो डिवाइड करके पता चल जाता है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं ना। लेकिन हमें लास्ट वाली बस वैल्यू देखना होती है कि ये अगर इवन नंबर है तो हम ये 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 5 लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हमें 3 के टेबल से डिवाइड करना है। अब 3 के टेबल से डिवाइड करने का तरीका ये है कि आप वैल्यू को ऐड करें, और वैल्यू को ऐड करने के बाद अगर वो वैल्यू ऐसी है जो कि 3 के टेबल में आती होगी तो यानी कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं 1 by 1 सबको ऐड करके देखूंगी। तो यहाँ पे देखें 6 ये आप रफ वर्क में कर लीजिएगा, 6 + 2 + 4, तो आपने यहाँ पे 6 + 2 + 4 इसको ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12। तो 12 जो है वो कौन से टेबल में आता है, ये 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 के टेबल से डिवाइड। उसके बाद बी पार्ट चेक कर लेते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है 2 3 5 8, देखें बी पार्ट में लिखा हुआ है 2 3 5 8, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 और ये 18 इसका आंसर होगा। अब 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 5 15 3 6 18 3 6 18 तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये इसका सम जो है वो 3 के टेबल में आता है। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट में लिखा हुआ है 1 3 0 1 3 0।
अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब ये देखें, 4 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। 4 3 के टेबल में नहीं आता तो यानी कि ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद डी पार्ट देखें, डी पार्ट में लिखा हुआ है 3 6 1 2। तो अब यहाँ पे देखें, 3 में 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 9, 9 में 1 ऐड करें 10, ये हो जाएगा 12, यानी कि 12। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 4 12 होता है, ठीक है, यानी कि ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने क्या लिख देना है कि इस तरह से आप मेंशन करेंगे कि ए 6 2 6 2 4 और बी 2 3 5 8 और डी, ठीक है, ये इसका आंसर है, आपने ये मेंशन कर देना है, ठीक है। सॉल्व लिख के आप इस तरह से ये मेंशन कर देगा। उसके बाद अब 6 क्वेश्चन पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मैंने आपको बताया कि 5 के टेबल वाला रूल भी समझा दिया मैंने आपको, कि जिसके लास्ट में 0 आए या 5 आए तो यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है 0, टिक कर दें इस पर। यहाँ आ रहा है 4, ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ आ रहा है 5 लास्ट में, टिक कर दें इस पर। यहाँ पे आ रहा है क्या 0, तो यहाँ पे ये टिक कर दें, ठीक है। यानी कि ए सी और डी, ए सी डी जो है आप इस तरह से लिखेंगे, सॉल्व लिखा आपने, ठीक है, 2 9 0। अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन करना है कि ये ए वाला है, ये सी वाला आपने लिखा यहाँ पे इस तरह से, और ये डी वाला आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपने 0 0 5, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जिसके लास्ट में 5 और 0 आए वो डिवाइड होता है किससे, 5 से। इसके बाद पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। 10 का सिर्फ और सिर्फ ये कि लास्ट में 0 आए तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, 0 आ रहा है, इसको बी पार्ट 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे बी पार्ट करेक्ट है, सी पार्ट करेक्ट है, डी पार्ट करेक्ट नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और 10 के टेबल से 5 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 5 ये पूरी डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी सही है, ये रॉन्ग है, एच पार्ट ठीक है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 0 आ रहा है। मैंने आपको 10 के डिविजिबल में समझाया था कि जो 10 के टेबल से डिवाइड हो जाए उसके लास्ट में हमेशा 0 आता है, ठीक है। आपने इस तरह से ये इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 को आपने मेंशन करना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, आपको चार्ट बनाना होगा अपनी कॉपी में। यूज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और टू चेक द वेदर ईच गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 3 5 एंड 10, राइट यस और नो। अच्छा, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। आपने इस तरह से चार्ट बनाया 2 3 4 5, ये बता रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये बताना है कि जैसे आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाई गई है 1 8 7 2। देखें पहले ये देखना है कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ यस लिखते हैं, अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे नो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, 2 0 2 4 6 8, वो 2 के टेबल में आता है। रूल याद करा करें, ठीक है, जब हम 2 की बात करेंगे तो हम फर्स्ट रूल याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 2 का देखेंगे कि 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हम रूल 1 याद करेंगे कि रूल 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो के 2 4 6 और 8 आए तो वो डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल से। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो यानी कि ये हो सकता है। उसके बाद 3 पे जब हम आएंगे तो 3 वाला रूल याद करेंगे कि 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे होंगे हम उनको ऐड करेंगे और उसका सम अगर 3 के टेबल में आता होगा तो यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 8 7 2, इन सबको सम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सम करके दिखा देती हूँ, 1 8 8 7 2, ठीक है। जब हम इसको सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18, ठीक है। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रही है 3 के टेबल में, 3 6 18, तो यानी कि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 के टेबल में देखेंगे कि 5 का रूल क्या कहता है। 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 या 5 आए लाजमी, बिल्कुल नहीं आ रहा लास्ट में 0 और 5, तो यहाँ पर नो लिख देंगे। 10 का रूल कहता है लास्ट में 0 है, यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे 5 3 2 5 0 वाला करेंगे, लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 वाला करेंगे, इसको ऐड करके चेक करेंगे, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15, ठीक है, 15 आ रहा है, 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस 3 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। लास्ट में आ रहा है 0,
तो 5 का रूल कहते हैं लास्ट में 0 आए या 5 आए टेबल से डिवाइड हो जाएगा वो 5 के टेबल से, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। 0 आ रहा है तो ये 10 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये 5 आ रहा है, 2 के टेबल में 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि 0, 2, 4, 6 और 8 आना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे हमने नो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल से इसका सम करें और इसका सम अगर 3 के टेबल में आता होगा तो यानी कि वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसको मैंने सम किया तो मेरे पास आ रहा है 32, तो 32 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, ये 3 के टेबल में नहीं आता इसीलिए हमने यहाँ पे नो लिख दिया क्योंकि ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 आ रहा है तो यानी कि ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। लास्ट में 5 आ रहा है और 10 का रूल क्या कहते हैं, लास्ट में सिर्फ 0 आना लाजमी है तो यानी कि 10 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ये वाला और ये वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है उस तरह से आपने मेंशन कर देना है।